तो जल्दी से तमाम मेहमानों के पास चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आपने मांगेराम त्यागी साहब को सुना था, मैं यहां पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देवेंद्र गोयल साहब, क्या कहना आपका? आपने ब्रेक से पहले मांगेराम त्यागी जी को सुना, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही, आपका रिएक्शन? सर, मैं मांगेराम त्यागी से बहुत विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ। घर का कोई बच्चा गलती कर दे तो उस गलती को उसको समझाना चाहिए। मैं शांति त्यागी का चेला हूँ, केवी कॉलेज माछरा से मेरी एजुकेशन है। मैं आधा त्यागी हूँ और आधा बनिया हूँ। एक तरफ हिना अग्रवाल मेरी बेटी है, एक तरफ अनु अग्रवाल अनु त्यागी मेरी बहन है। मैं त्यागी जी से एक बात कहना चाहूंगा, वो महेश शर्मा जी उस परिवार का मुखिया क्या मैडम है? एक बात सुनो मुझे महेश, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुझे ना महेश शर्मा जी से मतलब है, ना आजम खान से मतलब है, ना मुलायम सिंह से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है। ये लोग बैठेंगे तो अपने अपनी ढपली अपना राग करेंगे ही करेंगे। वैश्य समाज और त्यागी समाज से मुझे मतलब है। मेरी सरिता त्यागी मेरी बहन है, जो डॉक्टर सरिता त्यागी मेरठ में है। आप फोन करके उनसे मालूम कीजिए, वे मुझको राखी बांधती हैं। हम अपने अपने समाज को कैसे लड़ा देंगे? मांगेराम जी से मुझे इस तरफ मांगेराम जी का दुख है मुझे, जो उन्होंने कहा है। ये पॉलिटिकल नेता जो कह रहे हैं ना, कहने दीजिए, इनका तो भाई ही बनता है। ये तो हर एक मुद्दे पर बहन हो बेटी हो, उससे थोड़ा वो कर रही है। तो मैं मांगेराम जी से कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रतापूर्वक, अरे बच्चे ने गलती की है, उसे आप समझाइए, उसे आप कहिए, वो अपनी गलती माने। और उसने उसको अरे भाई, पहले मेरी बात आप पूरी होने दिए। श्रीकांत त्यागी उनका बड़प्पन है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपनी गलती मानी है। त्यागी समाज क्यों नहीं मानता उस गलती को? श्रीकांत ने अपनी गलती मानी है, उसने कहा वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। मैं श्रीकांत की इस बात को दाद देता हूँ और उनकी पत्नी को भी कहता हूँ, आप मेरी बहन जैसी है। अच्छा तू सुनो, अरे भाई जी बताएं आप किस विषय में क्या कहना चाहते हैं? आपका दाब करवाऊंगे और हम ऊपर से गलती बनेंगे। आतंकवादी था वो, अरे जितना उसका फैंस बन रहा था, जितनी उस पर धारे लगनी पड़ते तो कोड़ा पत्ती बता था रोज हो रहे का। आपको लखीमपुर खीरी का नहीं पता? धीरे बोलो, आवाज समझ नहीं आ रही मुझे। कमिश्नर पुलिस ने अब शब्द कहे कुछ, अब तक एक्शन? अरे इस मुद्दे से लखीमपुर खीरी का मतलब क्या है? इस मुद्दे से आजम खान का मतलब क्या है? इस मुद्दे से मुलायम सिंह का क्या मतलब है? आप राजनीति करने के लिए ना बैठे। मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। जनपद मुझे शांति त्यागी का चेला हूँ और प्योर कांग्रेसी हूँ। जो जिला वगैरह है उल्टा झंडा फहरा दिया, अगर कोई और फहरा दे तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप जो समाज को लड़ाने का काम ना करें, आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के लिए। चलिए मांगेराम त्यागी साहब, मैं देवेंद्र गोयल साहब आपको रोकूंगा, मांगेराम त्यागी साहब आपको भी रोकूंगा इस पैनल में। मांगेराम त्यागी साहब आपके पास आता हूं दोबारा से इस पैनल में। और लोग भी मौजूद हैं, सपा की नेता नाहिद लारी खान मौजूद हैं। नाहिद लारी खान, क्या आप मांगेराम त्यागी जी की बातों से सहमत हैं, जो उन्होंने बात कही अभी? रोहित जी, चाहे त्यागी समाज हो चाहे वैश्य समाज हो, दोनों ही समाज बहुत सम्मानित है। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ बात हो रही, जो गालीबाज नेता है, जिस प्रकार से उसने एक महिला के साथ अभद्रता की, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब वो चाहे त्यागी होता चाहे मिश्रा होता, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हाँ, महिला अपमान की बात है, हाँ महिला अपमान की बात है, हम तब भी उसकी वैसी निंदा करते। लेकिन मैं यहाँ मान्य यहाँ जो भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी की बात से मैं सहमत हूँ। इंस्पेक्टर उस महिला की साथ श्रीकांत त्यागी पत्नी साथ बदतमीजी कर रहा है, वो महिला नहीं है। त्यागी जी, मैं अपनी बात कर लूँ त्यागी जी, दो मिनट मुझे बोलने दे, फिर आप अपनी बात करें। मनीष शुक्ला जी की मैं बात सहमत हूँ कि मैटर अब न्यायालय में है, तो अब न्यायालय तय करेगा। और दूसरी बात जो मनीष शुक्ला जी ने कही कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, अरे गलती होने की बात कही थी आपकी, तो नेता ने प्रैक्टिकली नेताओं ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि विश्व के सबसे बड़े गुरु रेपिस्ट आसाराम के चरणों में आपके बड़े से लेकर छोटे नेता जो है आशीर्वाद। नाहिद, मैं आपको रोकूंगा, नाहिद मैं आपको रोकूंगा। देखिए नाहिद बिल्कुल आप सपा के प्रवक्ता है, तेज तरार प्रवक्ता है। आपको मनीष शुक्ला जी हर बात में मनीष शुक्ला जी को लेकर आना है, किसी और डिबेट में जरूर इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आज हम विषय पर रहते हैं। प्रियंका गुप्ता, आपका रिएक्शन? बैठे कितनी लोगों को बिल्कुल बालू जो थी वो किसी की बहन नहीं थी,
जिसे सामने उसकी बेटी, उसकी 4 साल की बेटी को मार दिया गया और उसके हथियारों को लाश कर दिया गया, ये मेरे लिए बड़े सदमे की बात है एक महिला के लिए। प्रियंका जी, आपकी आवाज हालांकि थोड़ी साफ नहीं आ रही, लेकिन हाँ आपकी जो बात है वो लगभग लगभग सामने जरूर आई है। मनीष शुक्ला साहब, क्या कहना है आपका? आपने सपा, कांग्रेस और मांगेराम त्यागी साहब को भी सुना, गर्ग साहब को भी सुना, क्या कहना है सर आपका? देखिए रोहित जी, इस पूरे डिबेट पे सपा और कांग्रेस को मुझे नहीं जवाब देना है जी। और सही बात यह है कि राजनीतिक विषय नहीं है, एक क्राइम हुआ था जिसके आधार पर वहां पुलिस ने FIR दर्ज किया, उसकी गिरफ्तारी की और उसे न्यायालय के सामने रख दिया गया है और न्यायालय उस पर निर्णय लेगा। और मेरा बस एक निवेदन है कि कम से कम ऐसे विषयों पर जाति और धर्म को आगे नहीं लाना चाहिए। देखिए प्रदेश और देश कानून और संविधान से चलेगा और स्वयं श्रीकांत त्यागी ने जो बयान दिया है उसके आधार के बाद तो अब ये विषय रही नहीं जाता जात के आधार पर, उस गलती को माना है। अब न्यायालय तय करेगा कि वो जो गलती है जिस धाराओं में FIR है उसके आधार पर क्या निर्णय न्यायालय लेगी, वो न्यायालय का काम है जी। बिल्कुल, एक फाइनल रिएक्शन आखिर में मांगेराम त्यागी साहब। न्यायालय का हम भी सम्मान करते हैं, आप लखीमपुर एक मिनट भाई साहब बोलने दो, आपके पास ही है, बोलिए बोलिए, सम्मान करते हैं, बोलिए बोलिए, ऐसे कितने आप बोलिए त्यागी है जी, मांगेराम त्यागी साहब अपनी बात रखिए, आपके पास आए वो दोनों बाड़म बाड़म के हो। हेलो जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज सुन रहे हम लोग। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे गाड़ी के मारपीट के हम उस बात को करते हैं कि जो उसने गलती किया तो गलती की सजा मिले, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि गड़म पड़ोस का मामला इनाम खुला है। रात को STF की 10 टीम जैसा बहुत बड़ा आतंकवादी कसाब हो वो पकड़ा जा रहा है, कभी इस बात के लिए त्यागी समाज को धन्यवाद दिया है भाजपा वालों ने, कितने जब हम 100% वोट दे रहे कितने हमारे बच्चे 10 लाख बढ़ा दिए, कितने को निगमों को 4 महीने बढ़ा दिए, अरे हमारा तो चागी तमो वोट देंगे हम, समझ गए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले तो तुम ना हिंदू मुस्लिम की बात करी, फिर इन्हें भाजपा वालों ने फिर किसानों को टारगेट बनाया, अब त्यागी को टारगेट बना दिया, इन्हें सारों को एक काम करो, ट्रेन में इनकी जो है वो करवा दो रिजर्वेशन और कहीं पाकिस्तान जाते हो ना वोट गिरण फेरा लेंगे। और मान्यवर, मैं इस मंच के माध्यम से डिबेट कर रहा, मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो बैठे ना सम्मित पात्र घर में 3 ओट है, 2 निपटती एक पड़ो, ये जितने बड़े घराने हैं 47 डिग्री टेम्परेचर पे गांव का आदमी वोट गिरण जा लैन में लग का, और जब महापोका पड़ा हो जनवरी फरवरी में। ठीक है मांगेराम त्यागी साहब, मांगेराम त्यागी साहब, अब मुझे आपको रोकना होगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर हमें गोयल साहब का, गोयल साहब फाइनल कमेंट आपका आखिर में, क्या कहना चाहेंगे आप फाइनल कमेंट? मांगेराम त्यागी साहब ने अपनी बात रखी, हालांकि एक बात जरूर है, पूरा पैनल उनकी एक बात से सहमत नहीं है, सब लोगों का कहना है कि कानून को अपना काम करने दीजिए। प्रभु आप उससे बहुत बड़े हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मांगेराम जी किसी बच्चे से गलती हुई है उसकी गलती स्वीकार करें, इस चीज को कानून के दायरे में लेके सारी चीजें तय हो जाएंगी। इस तरह से देखो बीजेपी को आपसे क्या शिकायत है या आपको बीजेपी के क्या शिकायत है, वो इस डिबेट का मुद्दा नहीं है, इसका डिबेट का मुद्दा है, एक तरफ तो अनु त्यागी है, एक तरफ अनु अग्रवाल है, ये दोनों एक तरफ बेटी है एक तरफ बहन है, तो इसको इसको राजनीतिक मुद्दा ना देके बैठ के मांगेराम जी इसको बैठ के आप एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं भी एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं माफी के साथ मुझे आप सबको रोकना पड़ रहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इतना जरूर बता दें कि हम लोग पूरे सब समाज का सम्मान करते हैं, त्यागी समाज भी उतना ही सम्मानित है, अग्रवाल समाज भी, वैश्य समाज भी उतना ही सम्मानित है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मसले में किसी समाज या मजहब की बात आनी ही नहीं चाहिए, कानून को अपना काम करते देना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।